आज हम पढ़ेंगे डाइट्री फाइबर। फाइबर क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्या क्या वर्क करता है और हमें अपने आहार में फाइबर क्यों लेना चाहिए, हम आज इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइट्री फाइबर। मीनिंग, सबसे पहले हम उसका मीनिंग जानेंगे कि डाइट्री फाइबर का मीनिंग क्या होता है। डाइट्री फाइबर क्या होता है, ये एक रफीज जिसमें क्या होता है कि प्लांट इंक्लूड द पार्ट ऑफ प्लांट फूड योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब। ये एक प्लांट का पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ना डाइजेस्ट होता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है, अनलाइक अदर फूड कंपोनेंट्स सच एज फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें फैट की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, बट फाइबर जो है वो हमारी बॉडी में ना तो डाइजेस्ट होता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है। विच योर बॉडी ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फाइबर इज नॉट डाइजेस्टेड बाई योर बॉडी। आहार फाइबर क्या होता है, जिसे रफीज या बल के रूप में भी जाना जाता है, मैं पौधों में खाद्य पदार्थों के हिस्से शामिल होते हैं जिन्हें आपका शरीर पचाए अवशोषित नहीं कर सकता। अन्य खाद्य घटकों के विपरीत जैसे कि वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका शरीर तोड़ता है और अवशोषित करता है, आपके शरीर द्वारा फाइबर को पचाया नहीं जा सकता। डाइट्री फाइबर आसन ऑन डाइट्री फाइबर आर डाइवर्स इन केमिकल्स कंपोजिशन एंड कैन बी ग्रुप जनरली बाय द सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी एंड फर्मेंटेबिलिटी विच अफेक्ट हाउ फाइबर्स आर प्रोसेस्ड इन द बॉडी। डाइट्री फाइबर क्या होते हैं, एक रासायनिक संरचना की एक संरचना में विविध होते हैं और आमतौर पर उनकी घुलनशीलता, चिपचिपाहट और किण्वन क्षमता द्वारा सामान्यीकृत किया जा सकता है, जो प्रभावित करते हैं शरीर में फाइबर कैसे संसाधित होते हैं। डाइट्री फाइबर इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड फाउंड इन द प्लांट्स दैट कैन नॉट बी फुली डाइजेस्टेड इन अवर गट। फाइबर रिच फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स हैव बीन कंसिस्टेंटली शोन टू बेनिफिट अवर हेल्थ एंड रिड्यूस अवर रिस्क ऑफ डिसीज। आहार फाइबर क्या होते हैं, वो पौधों में पाए जाने वाले यौगिक का एक समूह होता है जो हमारे आंत में पूरी तरह से पच नहीं सकता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज लगातार हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने और बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए दिखाए गए हैं। डाइट्री फाइबर इज नॉट वन स्पेसिफिक कंपाउंड बट अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ मैनी कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स एंड पल्सेस। पुट सिंपली, फाइबर कैन बी डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फुली डाइजेस्टेड इन अवर गट। आहार फाइबर एक विशिष्ट यौगिक नहीं है बल्कि पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, साबुत अनाज हैं, बीन्स और दालों में पाए जाने वाले कई यौगिकों का एक जटिल समूह होता है। सीधे शब्दों में कहें तो फाइबर को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे आंत में पूरी तरह से पचा नहीं सकते हैं। फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है दैट द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। थ्रू मोस्ट कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लूकोज। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो जिस मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन उसका होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। फाइबर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स एंड इंस्टेड इट्स पासिस थ्रू द बॉडी एंड डाइजेस्टेड। हमारी बॉडी से वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसे ही पास हो जाता है। फाइबर हेल्प्स रेगुलेट द बॉडी यूज ऑफ शुगर्स हेल्पिंग टू कीप हंगर एंड ब्लड शुगर इन चेक। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे शरीर पचा नहीं पाता है, हालांकि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कहे जाने वाले चीनी अणुओं में टूट जाते हैं। फाइबर को चीनी अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता और इसके बजाय शरीर के बिना पचे निकल जाता है। फाइबर शरीर में शर्करा के उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करता है, भूख और रक्तचाप को नियंत्रण करने में भी ये मदद करता है। Children and adults need to at least 25 to 35 grams of fiber per day for good health, but most Americans get only about 15 grams a day. Great source of fiber are whole grains, whole fruits and vegetables, legumes and nuts. अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों और वयस्कों को प्रतिदिन कम से कम 25 से 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश अमेरिका को एक दिन में लगभग 15 ग्राम की ही मिलता है। मांस रोज जो होते हैं इसके जो मेन सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट फाइबर के, तो वो हैं साबुत अनाज, साबुत फल और सब्जियां, फलियां और मेवे।
फिब्रस सब्सटेंस इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सच एज द स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स ऑफ सेल वॉल्स कंजप्शन ऑफ विच इट डाइजेस्ट एंड इज बिलीव टू हेल्प प्रिवेंट सर्टेन डिजीज आल्सो कॉल्ड रफीज। फलों और सब्जियों में रेशेदार पदार्थ है जैसे कि कोशिकाओं के भित्ति के संरचनात्मक पॉलीमर जिसके सेवन से पाचन में सहायता मिलती है और माना जाता है कि यह कुछ बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है। इसे भी कहते हैं रफीज यानी कि फाइबर। डेफिनेशन की बात करें तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सीरियल केमिस्ट ने 2001 में डाइटी फाइबर को इस तरह से डिफाइन किया है, डाइटी फाइबर इज द एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट और एनालॉगस कार्बोहाइड्रेट दैट आर रेसिस्टेंट टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन विद कंप्लीट और पार्शियल फर्मेंटेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। डाइटी फाइबर इंक्लूड पॉलीसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड लिग्निन एंड एसोसिएट प्लांट सब्सटेंस। डाइटी फाइबर प्रमोट बेनिफिशियल फिजियोलॉजिक इफेक्ट including laxation or blood cholesterol attenuation and blood glucose attenuation। आहार फाइबर पौधों या समान कार्बोहाइड्रेट का खाद्य भाग है जो बड़ी आंत में पूर्ण या आंशिक किण्वन के साथ मानव छोटी आंत में पाचन और अवशोषण के लिए प्रतिरोधी होते हैं। आहार फाइबर में पॉलीसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड लिग्निन और संबंधित पौधे पदार्थ शामिल हैं। आहारीय रेशे फायदेमंद शरीर प्रभावों को बढ़ावा देते हैं जिनमें शिथिलता और रक्त कोलेस्ट्रॉल क्षीण और रक्त ग्लूकोज क्षीण शामिल होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने भी इसको डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है, डाइट्री फाइबर कंसिस्ट ऑफ नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट एंड लिग्निन दैट आर इंटरेस्टिंग एंड इंटैक्ट इन प्लांट। एडिट फाइबर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट दैट हैव बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन ह्यूमंस। डाइट्री फाइबर में ना पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट और लिग्निन होते हैं जो पौधों के आंतरिक और अश्रु होते हैं। एडिट फाइबर में अलग अलग ना पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका मनुष्य में लाभकारी शारीरिक प्रभाव होता है। ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश न्यूट्रिशन फाउंडेशन ने डाइट्री फाइबर को डिफाइन किया है, डाइट्री फाइबर रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट फूड विच कैन नॉट बी कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। दिस इंक्लूड वैक्सेस लिग्निन एंड पॉलीसेक्राइड्स सच एज सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ओरिजिनली इट वॉज थॉट दैट डाइट्री फाइबर वॉज कम्प्लीटली इनडाइजेस्टेबल एंड डिड नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। इट इज नाउ नोन दैट सम फाइबर कैन बी fermented in the large intestine by gut bacteria producing short chain fatty acid and gases। आहार फाइबर पौधों के खाद्य पदार्थों में पौधों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसे मानव पाचन एंजाइम द्वारा पूरी तरह से नहीं तोड़ सकता। इसमें वैक्स लिग्निन और पॉलीसेक्राइड जैसे सेल्यूलोस और पेक्टिन भी शामिल हैं। मूल रूप से ये सोचा गया था कि आहार फाइबर पूरी तरह से अपचनीय था और कई ऊर्जा प्रदान नहीं करता था। अब ये ज्ञात कि आंत के जीवाणुओं द्वारा कुछ फाइबर को बड़ी आंत में किण्वित किया जा सकता है जिसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड और गैस पैदा होती हैं। क्लासिफिकेशन, अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं। फाइबर कॉमनली इज क्लासिफाइड एज सॉल्यूबल विच डिजॉल्व इन वाटर और इनसॉल्यूबल विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉल्यूबल फाइबर और इनसॉल्यूबल फाइबर। फाइबर को आमतौर पर घुलनशीलता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो पानी में घुलनशील है या अघुलनशील होते हैं, जो घुलता नहीं है। डाइट्री फाइबर दोनों के सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सॉल्युबल जो होते हैं वो टोटल कॉलोनिक फर्मेंटेशन होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं पार्शियल कॉलोनिक फर्मेंटेशन। जैसे गम्स, पेक्टिन, मेसलेजेस, इन्यूलिन, बेटा ग्लूकन्स, ओलिगोसेक्राइड। इधर आएंगे हेमीसेल्युलोस, सेल्युलोस, लिग्निन, रेसिस्टेंस, स्टार्च। टाइप्स ऑफ फाइबर, अगर हम फाइबर के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में भी ये दो ही तरीके से दिखाए जाएंगे, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। इसमें एक्सट्रैक्शन मेथड भी होते हैं कुछ। सबसे पहले हम सॉल्यूबल फाइबर देखेंगे, जैसे उसके सोर्सेज हैं एप्पल, कैबेज, होल ग्रेन, लेग्यूम रूट्स, वेजिटेबल्स। ये क्या होते हैं, ये सारे पेक्टिन से हमें मिलते हैं जिसमें शुगर एंड शुगर एसिड होता है, अरेबिनोज होता है, रैमनोज होता है, गैलेक्टोज शुगर, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। ओट्स एंड लेग्यूम्स में गम्स होता है, पेंटोज, हेक्सोज, मोनोमर्स। एक्वेटिक प्लांट कैक्टस, एलोवेरा, ओकरा, इसमें होता है मेनली होता है ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह हम इनसॉल्युबल फाइबर को अगर हम देखते हैं तो ये एप्पल, बियर, सीरियल, ब्रन,
रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सेल्यूलोज के रूप में होते हैं, ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं, इसमें सीरियल ब्रन होल ग्रेन्स होते हैं, हेमी सेल्यूलोज होते हैं जैसे शुगर्स लाइक डी जाइलोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज, ये सारी शुगर्स होती हैं। वेजिटेबल्स में लिग्निन, एरोमेटिक एल्कोहल, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो इनसॉल्यूबल फाइबर के टाइप्स हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, ड्राई प्रोसेसिंग होता है, वेट प्रोसेसिंग है, केमिकल मेथड, एंजाइमेटिक, ग्रेविमेटिक, मैट्रिक है, माइक्रोबियल मेथड से, ग्रीन केमिस्ट मेथड है, वाटर एक्सट्रैक्शन, इथेनॉल एक्सट्रैक्शन, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, यूएस असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, पीईएफ असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, एचपीएच असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। सॉल्यूबल फाइबर क्या होते हैं, अब सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूबल फाइबर। दिस टाइप ऑफ फाइबर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ जेल लाइक मटेरियल, इट कैन हेल्प लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल। सॉल्यूबल फाइबर इज फाउंड इन ओट्स, पीज, बीन्स, एप्पल, सिट्रस फ्रूट, कैरेट, बर्ड एंड सीलियम। घुलनशील रेशा, इस प्रकार का फाइबर पानी में घुलनशील जेली जैसा होता है, ये रक्त कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज स्तर को कम करने में मदद करता है। ओट्स, मटर, बीन्स, सेब, खट्टे फल, गाजर, जो साइलियम में घुलनशील होता है। सॉल्यूबल फाइबर फर्मेंटेड फाइबर और प्रोबायोटिक फाइबर भी इसको मतलब बोलते हैं, फर्मेंटेड या प्रोबायोटिक फाइबर भी इसको हम बोल सकते हैं। विच डिजॉल्व इन वाटर इन जनरली फर्मेंटेड इन द कॉलोन इनटू गैसेस एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव बाय प्रोडक्ट्स सच एज शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस इन द कॉलोन बाय गट बैक्टीरिया। एग्जाम्पल आर बीटा ग्लूकेगॉन्स इन ओट्स, बर्ले एंड मशरूम्स एंड रो गॉर्गम। घुलनशील फाइबर किण्वन योग्य फाइबर या प्रोबायोटिक फाइबर होते हैं जो पानी में घुल जाता है, आमतौर पर गैसों में, बृहदान्त्र में किण्वित होते हैं और शारीरिक रूप से सक्रिय उप उत्पादों जैसे आंत, बैक्टीरिया द्वारा बृहदान्त्र में उत्पादित लघु श्रृंखला फैटी एसिड होता है। उदाहरण है बीटा ग्लूकेगॉन चाइन जो मशरूम में और कच्चे ग्वार गम में ये पाया जाता है। इसी तरह इनसॉल्यूबल फाइबर है, इनसॉल्यूबल फाइबर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फाइबर प्रोमोट्स द मूवमेंट्स ऑफ मटीरियल थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंक्रीजेज स्टूल बल्क, सो इट कैन बी ऑफ बेनिफिट टू दूज हु स्ट्रगल विद कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर स्टूल्स। होल व्हीट फ्लोर, व्हीट ब्रन, नट्स ब्रन एंड वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स एंड पोटेटो आर गुड सोर्सेज ऑफ इनसॉल्यूबल फाइबर। अघुलनशील फाइबर, इस प्रकार का फाइबर आपके पाचन तंत्र के माध्यम में सामग्री के संचालन को बढ़ावा देता है और मल की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है जो कब्ज या अनियमित मल से जूझते रहते हैं। जिनको कब्ज की ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। साबुत गेहूं और आटा, गेहूं का चोकर, मेवे, बीन्स, सब्जियां जैसे फूलगोभी, हरी बीन्स और गेहूं, आलू अघुलनशील फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। इनसॉल्यूबल फाइबर विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इन इंसर्ट टू डाइजेस्ट एंजाइम इन द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। एग्जाम्पल आर व्हीट, ब्रन, सेल्यूलोज एंड लिग्निन। जो पानी में घुलते नहीं हैं, ऊपरी जठरांत संबंधी मार्ग में होते हैं, मैं पाचन एंजाइम के लिए निष्क्रिय होते हैं। उदाहरण है गेहूँ की भूसी, सेल्यूलोज और लिग्निन। इसके पांच ग्रुप्स भी होते हैं अलग अलग, जैसे दे आर जनरली फोर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डाइट्री फाइबर फाउंड इन फूड। सबसे पहले आता है नॉन स्टार्च लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मोस्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, बीन्स एंड नट्स। दे कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड ग्लूकेन्स। दीज मेक अप द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फाइबर एंड आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ कंसनट्रेशन। गैर स्टार्च लंबे कार्बोहाइड्रेट अधिकांश फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालों, बीन्स, नट्स के संरचनात्मक भाग होते हैं। वे उदाहरण के लिए सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, ग्लूकेगन्स हैं के रूप में पाए जा सकते हैं। तंतुओं का सबसे बड़ा समूह बनाते हैं और विभिन्न प्रकार की सांद्रता में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रेसिस्टेंट मिड लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट सच एज फ्रक्टोज ओलिगोसेक्राइड एंड गैलेक्टोज ओलिगोसेक्राइड। दीज आर कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ लेस देन 10 स्मॉलर शुगर यूनिट। GOS इज ऑफन गैलेक्टोज ओलिगोसेक्राइड फाउंड इन सीवीड्स एंड FOS इज फाउंड इन वेजिटेबल्स हैज चिकोरी, ओनियंस एंड एस्परजस। प्रतिरोधी मध्य लंबे कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रक्टो ओलिगोसेक्राइड और ग्लूको ओलिगोसेक्राइड 10 से कम छोटी चीनी इकाइयों के बने होते हैं। GOS अक्सर समुद्री शैवाल में पाया जाता है और FOS सब्जियां जैसे कासनी, प्याज और शतावरी में पाया जाता है।
थर्ड आता है रेसिस्टेंट स्टार्च इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज फाउंड इन फूड सच एज बनाना, पोटेटोज, ग्रीन पल्सेस एंड सीड्स। प्रतिरोधी स्टार्च का एक रूप है जिसे छोटी आंत में पचाया नहीं जा सकता, ये केले, आलू, अनाज, दालें, बीज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। लिग्निन इज एन एक्सेप्शन टू द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फाइबर एज द टेक्निकली नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बट इज कंसिडर अ फाइबर। लिग्निन इज अ फाउंड इन रूट वेजिटेबल्स सच एज कैरेट एंड टर्निप्स एज वेल एज नट्स एंड सीड्स। लिग्निन फाइबर की सरल परिभाषा का अपवाद है क्योंकि ये तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इसे फाइबर माना जाता है। लिग्निन रूट सब्जियों जैसे गाजर और शलजम के साथ साथ नट और बीज में भी पाया जाता है। फर्मेंटेड वर्सेस नॉन फर्मेंटेबल, दिस सेपरेट्स डाइट्री फाइबर बेस्ड ऑन whether they can fermented by the microbiota in the large intestine. This more recent classification is speculated to become increasingly useful in the context of health. किडवन योग्य बनाम गैर किडवन योग्य, यानी कि फर्मेंटेड और नॉन फर्मेंटेड, यह हर फाइबर इस आधार पर अलग करता है कि क्या वे बड़ी आंत में माइक्रोबायोटा द्वारा किडवित हो सकते हैं। ये अधिक हालिया वर्गीकरण स्वास्थ्य के संबंध में तेजी से उपयोगित होने वाला अनुमान लगाया जाता है। विस्कस वर्सेस नॉन विस्कस, परहैप्स द लीस्ट यूज्ड डिस्टिंक्शन, दिस क्लासिफिकेशन अराइज फ्रॉम एविडेंस दैट सर्टेन हेल्थ बेनिफिट ऑफ डाइट्री फाइबर माइट बी रिलेटेड टू फाइबर विस्कोसिटी। शायद सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाला भेद, यह वर्गीकरण इस प्रमाण से उत्पन्न होता है कि आहार फाइबर में कुछ स्वास्थ्य लाभ फाइबर चिपचिपाहट से संबंधित हो सकता है। बेनिफिट की बात करें अगर हम डाइट्री फाइबर की, तो इसका बेनिफिट होता है फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट द बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन एंड सो इट पासिस थ्रू अवर गट इन टू अवर लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलोन। इट इज़ फाउंड नेचुरली इन प्लांट फूड लाइक होल ग्रीन्स, बीन्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इज समटाइम्स एडेड द फूड और ड्रिंक्स। फाइबर एक आहार का कार्बोहाइड्रेट है जिसमें शरीर तोड़ नहीं सकता और इसलिए यह हमारी आँख से होकर हमारी बड़ी आँख या कॉलोन में जाता है। ये स्वाभाविक रूप से पौधों के खाद्य पदार्थों जैसे साबुत अनाज, बीन्स, नट्स और फल और सब्जियों में पाया जाता है और कभी कभी इसे खाद्य पदार्थों का भी पेय से जोड़ा जाता है। फाइबर हेल्प्स टू कीप अवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज को रोकने में भी मदद करता है। अ हाई फाइबर डाइट में हेल्प टू रिड्यूस अवर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज एंड बॉवल कैंसर। ये उच्च फाइबर आहार हमारे हृदय रोग और स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल आंत्र कैंसर के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। There are many different kinds of fiber and they have different effects on our body. Sometimes influence how quickly food moves through our gut, adding bulk to stool and keep your regular. Some can impact our blood cholesterol and how quickly we absorb sugar from food and drinks. And some can influence the type of amount of bacteria in our gut. फाइबर कई प्रकार के होते हैं, उनका हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ इस बात को प्रभावित करते हैं कि भोजन हमारी आँख से कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। मल में बल्क जोड़ने और अप को नियमित रखता है। कुछ हमारे रक्त कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को चीनी को अवशोषित कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया के प्रकार मात्रा को भी प्रभावित करते हैं। Research shows that the bacteria and other microorganisms in our gut may be important for health, although there is still a lot we do not know. Fiber found in food like wheat, oats, bean, pulses, fruits and vegetables such as garlic and onions provide food or good gut bacteria, allow them to grow in number and produce substances that are thought to have beneficial effect on health. अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी आंत में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। गेहूं, जई, बीन्स, दालें, फल और सब्जियां जैसे लहसुन और प्याज जैसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले फाइबर अच्छे आंत्र बैक्टीरिया के लिए भोजन प्रदान करते हैं जिसे उन्हें खाद्य संख्या के बढ़ने और ऐसे पदार्थों का उत्पादन करने की अनुमति मिलती है जो स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं।
इट इज़ रिकमेंडेड दैट एडल्ट गेट 30 ग्राम ऑफ फाइबर अ डे बट ऑन एन एवरेज वी ईट मच लेस देन अबाउट 20 ग्राम अ डे मैनी चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 2 years ऑल्सो नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फाइबर इन द डाइट ऑल्सो देयर रिकमेंडेड इनटेक्स आर लोअर देन फॉर एडल्ट यह अनुशंसा की जाती है कि वयस्कों को एक दिन में 30 ग्राम फाइबर मिले लेकिन औसतन हम इससे बहुत कम खाते हैं लगभग 20 ग्राम एक दिन में 2 वर्ष से अधिक कम उम्र वाले बच्चों को भी अपने आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता होती है हालांकि उनके अनुशंसित मात्रा वयस्कों की तुलना में कम होती है टू गेट इनफ फाइबर इन अवर डाइट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड वेराइटी ऑफ फाइबर प्रोवाइड फूड रेगुलरली सच एज होल मील ब्रेड होल ग्रेन ब्रेकफास्ट सीरियल ब्राउन पास्ता और राइस फ्रूट्स वेजिटेबल पीज बीन्स एंड सीड्स एंड द पोटेटो विद स्किन्स हमारे आहार में पर्याप्त फाइबर प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के फाइबर प्रदान होते हैं खाद्य पदार्थों को शामिल करने में महत्वपूर्ण है जैसे कि साबुत रोटी साबुत अनाज नाश्ता अनाज ब्राउन पास्ता या चावल फल सब्जियां मटर बीन्स नट्स बीज और आलू के छिलकों के साथ If you need to increase your fiber intake, it is a good idea to do gradually to avoid gut issue like to bloating and gas. For gut health, it is also important to drink plenty of fluid around 6 to 8 glass per day for your adult and the physical and to be physically active. यदि आपको अपने फाइबर सेवन में वृद्धि करने की आवश्यकता है तो सूजन और गैस जैसी पेट की समस्याओं को बचने के लिए धीरे धीरे करना चाहिए एक अच्छा विचार है आंत के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ वयस्कों के लिए प्रतिदिन लगभग 6 से 8 गिलास पानी पीना और शारीरिक रूप से सक्रिय होना भी महत्वपूर्ण है फंक्शंस ऑफ डाइट्री फाइबर नॉर्मलाइज इज बोवल मूवमेंट यानी बोवल मूवमेंट को ये नॉर्मलाइज करता है डाइट्री फाइबर इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ योर स्टूल्स एंड सॉफ्टन इट अ बल्कि स्टूल इज इजियर टू पास डिक्रीजिंग योर चांस of constipation if you have loose water stool fiber may help to solidify the stool because it absorb water and add bulk to stool मल त्याग को सामान्य करता है और फाइबर आपके मल के वजन और आकार को बढ़ाता है और इसे नरम करता है भारी मल निकालने में आसानी होती है जिसे कब्ज होने की संभावना कम हो जाती है यदि आपके पास ढीले पानी में मल है तो फाइबर मल को ठोस बनाने में मदद करता है क्योंकि ये पानी को अवशोषित करता है और मल में बल्क से जोड़ देता है Help maintain to bowel health. A high fiber diet may lower your risk of developing hemorrhoids and small pouches in your colon. Diverticular disease. Studies have also found that a high fiber diet likely lowers the risk of colon cancer. Some fiber is fermented in the colon. Researchers are also looking at how this may play a role in preventing disease of the colon. आंत्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं एक अच्छा फाइबर आहार में अपने कोलोन डायवर्टिकुलर रोग के बवासीर और छोटे पाउच के विकास के जोखिम को कम कर सकता है अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि उच्च फाइबर आहार से कोलेस्ट्रॉल कैंसर का खतरा कम होता है कुछ फाइबर कोलोन में किण्वित होता है शोधकर्ता देख रहे हैं कि यह कोलोन की बीमारियों को रोकने में कैसी भूमिका निभा सकता है लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल सॉल्यूबल फाइबर फाउंड इन बीन्स ओट्स फ्लैक्सीड एंड ओट ब्रन में हेल्प लोअर टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल माई लोवरिंग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल स्टडी आल्सो हैव शोन दैट हाई फाइबर फूड मे हैव अदर हार्ट हेल्थ बेनिफिट सच एज रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड इन्फ्लामेशन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है बीन्स जई अलसी और जई चोकर में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके कुल रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है अध्ययनों में यह भी पता चलता है कि उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों के अन्य हृदय संबंधी लाभ हो सकते हैं जैसे रक्तचाप और सूजन का कम करना Helps control to blood sugar level in people with diabetes. Fiber, particularly soluble fiber, can slow the absorption of sugar and help improve blood sugar levels. And healthy diet that include insoluble fiber may also reduce the risk of developing type 2 diabetes. रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है मधुमेह वाले लोगों में फाइबर विशेष रूप से घुलनशील फाइबर चीनी के अवशोषण को धीमा कर सकता है और रक्त शर्करा के स्तर में सुधार करने में मदद करता है अघुलनशील फाइबर युक्त एक स्वास्थ्य आहार भी टाइप 2 मधुमेह के विकास के जोखिम को भी कम कर सकता है
एड्स इन अचीविंग हेल्दी वेट हाई फाइबर फूड टेंड टू बी मोर फिलिंग देन लो फाइबर फूड सो यू आर लाइकली टू ईट लेस एंड स्टे सेटिस्फाइड लॉन्गर एंड हाई फाइबर फूड टेंड्स टू टेक लॉन्गर टू ईट एंड टू बी लेस एनर्जी डेंस विच मीन्स दे हैव फेवर कैलरी फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ फूड। स्वास्थ्य वजन प्राप्त करने में सहायता करता है। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक पेट भरने वाले होते हैं, इसलिए आपके कम खाने और लंबे समय तक संतुष्ट रहने की संभावना है। और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाने में अधिक समय लेते हैं और कम ऊर्जा सघन होते हैं, जिसका अर्थ है कि भोजन की समान मात्रा के लिए उनके पास कम कैलोरी होती है। हेल्प्स यू लिव लॉन्गर स्टडी सजेस्ट दैट इंक्रीजिंग योर डाइटरी फाइबर इनटेक स्पेशली सीरियल फाइबर इज एसोसिएटेड विद अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड ऑल कैंसर्स। आपको लंबे समय तक जीने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि आपके आहार फाइबर सेवन में वृद्धि विशेष रूप से अनाज फाइबर कार्डियोवास्कुलर बीमारी और सभी कैंसर के मरने के जोखिम को भी कम जोखिम से भी ये जुड़ा हुआ होता है। डाइटरी फाइबर क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में? रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर, हेल्प करता है वेट मैनेजमेंट में, इंक्रीज करता है ओरल हेल्थ को, इंक्रीज करता है गट हेल्थ एंड इंप्रूव करता है माइक्रोबियन को और इंप्रूव करता है मेंटल हेल्थ को। सोर्सेज क्या क्या हैं? वेरियस प्लांट फूड्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फाइबर एंड द परसेंटेज आल्सो वेराइज विद द मैच्योरिटी एंड प्लांट पार्ट। फॉर इंस्टेंस द कंटेंट ऑफ सेलुलोज इज हाई इन द फॉलोइंग रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स और पल्सेस, सर्टेन फ्रूट्स सच एज पीज एंड एप्पल। पीज में 3.1 ग्राम्स फाइबर होता है। पीज आर बोथ टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस एंड कैन सेटिस्फाई अ स्वीट टूथ। दे आर ऑल्सो इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर कंटेंट 5.5 ग्राम्स इन अ मीडियम साइज रो पियर ट्रस्टेड सोर्स और 3.1 ग्राम पर 100 ग्राम। नाशपाती 3.1 ग्राम नाशपाती स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों और मीठे दांत को संतुष्ट कर सकती है। फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। फाइबर सामग्री माध्यम आकार के कच्चे नाशपाती में 5.5 ग्राम विश्वसनीय स्रोत या 3.1 ग्राम प्रति 100 ग्राम में होता है। स्ट्रॉबेरीज 2 ग्राम फाइबर देता है हमें। स्ट्रॉबेरीज आर अ डिलीशियस हेल्दी ऑप्शन फॉर ईट फ्रेश एज अ समर डेजर्ट और एज एन ऑफिस स्नैक एज वेल एज फाइबर। दे आल्सो कंटेन विटामिन सी, मैग्नीज एंड वेरियस एंटी ऑक्सीडेंट। फाइबर कंटेंट 3 ग्राम्स इन 1 कप ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और 2 ग्राम पर 100 ग्राम ट्रस्टेड सोर्स। ट्राई दिस बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूथी। एवोकाडो 6.7 ग्राम्स। द एवोकाडो इज हाई इन हेल्दी फैट एंड गुड सोर्स ऑफ फाइबर। इट आल्सो प्रोवाइड विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई एंड वेरियस बी विटामिन। फाइबर कंटेंट 10 ग्राम्स इन 1 कप ऑफ रॉ एवोकाडो और 6.7 ग्राम्स पर ग्राम ट्रस्टेड सोर्सेज। ओट्स 10.1 ग्राम्स ओट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर एंड आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट। दे कंटेन अ पावरफुल सॉल्यूबल फाइबर कॉल्ड बीटा ग्लूकेगॉन विच मे हेल्प टू मैनेज ट्रस्टेड सोर्स ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। फाइबर कंटेन 6.5 ग्राम्स पर कप ऑफ रो ओट्स एंड 10.1 ग्राम पर 100 ग्राम ट्रस्टेड सोर्सेज। एप्पल्स 2.4 ग्राम एप्पल्स आर ईट एंड टेस्टी सेटिस्फाइड फ्रूट ईटन होल। दे आल्सो प्रोवाइड बोथ सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर। फाइबर कंटेंट 4.4 ग्राम्स इन अ मीडियम साइज रो एप्पल और 2.4 ग्राम पर 100 ग्राम ट्रस्टेड सोर्स। गेट सम आइडिया फॉर एडिंग एप्पल टू सैलेड। रेसबेरीज रेसबेरीज आर अ न्यूट्रिशन फ्रूट विद अ डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। दे कंटेन फाइबर, विटामिन सी एंड मैग्नीज। फाइबर कंटेंट 1 कप ऑफ रोज रेसबेरीज कंटेन 8 ग्राम ऑफ फाइबर और 6.5 ग्राम पर 100 ग्राम ट्रस्टेड सोर्स। अदर हाई फाइबर बेरीज, हियर आर सम अदर बेरीज यू कैन ऐड टू डेजर्ट, ओटमील एंड स्मूदी और जस्ट स्नैक एंड ड्यूरिंग अ डे। ब्लूबेरीज 2.4 ग्राम पर 100 ग्राम सर्विंग ट्रस्टेड सोर्स। ब्लैकबेरीज 5.3 ग्राम पर 100 ग्राम सर्विंग ट्रस्टेड सोर्स। ट्राई देम ऑन सैलेड इन अ रेसबेरी टेरेगॉन ड्रेसिंग। बनानास 2.6 ग्राम्स। बनाना प्रोवाइड मेनी न्यूट्रेंट्स इंक्लूडिंग विटामिन सी, विटामिन बी सिक्स एंड पोटेशियम। अ ग्रीन एंड अनराइप बनाना आल्सो कंटेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्च इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट दैट फंक्शन लाइक फाइबर। फाइबर कंटेंट 3.1 ग्राम इन अ मीडियम साइज बनाना और 2.6 ग्राम पर 100 ग्राम ट्रस्टेड सोर्स। ट्राई अ बनाना एंड नट बटर सैंडविच फॉर फाइबर एंड प्रोटीन।
हाई फाइबर फूड दैट हेल्प यू, हाई फाइबर फूड है ये, जो जैसे प्रॉन्स हैं ड्राइड, फाइव प्रॉन्स में 3.5 ग्राम जो होता है फाइबर होता है, ऑरेंज वन फ्रूट में 3.1, एप्पल है वन लार्ज 5.4, बनाना वन लार्ज 3.5, रोजबेरीज हाफ कप 4, लेंटिल्स हाफ कप 7.8, आलमंड हाफ कप 4.5, कुक एग्रीकॉट हर्ट्स 7.200, सीरियल हाफ कप 12.5। फाइबर फूड होते हैं जैसे एप्पल में 2.5 ग्राम होता है, एवोकाडो में 7 ग्राम होता है, बनाना 2.69 ग्राम, मैंगो 1.6 ग्राम, ब्रोकली 2.4 ग्राम। ये आप टेबलर फॉर्म में भी आप दे सकते हो अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, प्रॉपर ये नोट्स ही हैं, तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसको एक टेबलर फॉर्म में भी दे सकते हो कि किस फूड में कितने ग्राम फाइबर पाया जाता है। कंपोजिशन ये अच्छा है। फाइबर, सोल्यूबल फाइबर वर्सेस इनसोल्यूबल फाइबर चिया सीड्स में पाया जाता है जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, स्वीट पोटैटो है, फ्लैक्स सीड है, ब्रोकली है और ओट्स है। और एडिड बल्क में ब्रन सीरियल है, होल ग्रेन है, कॉर्न है, ग्रीन बीन्स है एंड फ्रूट विद स्किन है। सोल्यूबल वाटर, सोल्यूबल फाइबर जो होता है वो क्या क्या करता है, वो डिजॉल्व हो जाता है इजीली वाटर में, प्रमोट करता है सेटाइटी को, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, सपोर्ट करता है गट फ्लोरा को, इम्प्रूव करता है ब्लड शुगर लेवल, फाउंड इन एप्पल, बीन्स, नट्स, ओटमील, स्वीट पोटैटो एंड लेंटिल्स, हेल्प करता है फूड मूव थ्रू द गट एंड जस्ट द राइट पीस, फीट बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और इनसॉल्यूबल जो होते हैं वो डज नॉट डिजॉल्व होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, प्रमोट करते हैं रिलैक्सेशन को, सपोर्ट करते हैं इंटेस्टिनल हेल्थ को, फाउंड इन होल व्हीट, लीफी ग्रीन, क्विनिया, ब्राउन राइस एंड सीड्स, क्रिएट बल्क इन योर स्टूल, सपोर्ट करते हैं बॉवल के हेल्थ को।